हाय सस्काल सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे मस्जिद अल हरम का इंटरनल व्यू कि वो अंदर से कैसी दिखती हैं। और आई थिंक कि जो मस्जिद अल हरम है वो रेगुलरली नहीं खुलती है, तो कई बार जब लोग मक्का भी जाते हैं, ये मैंने सुना है कि मक्का भी जाके 100% चांसेस नहीं होते कि वो हरम में भी अंदर एंट्री कर सके, क्योंकि वो कभी कभी खुलती है। तो आज हम लोगों को चांस मिला है कि आज हम मस्जिद अल हरम को अंदर से देखें, उसका जो इंटरनल व्यू है उसको देखें और देखते हैं कि वो कैसी लगती है। और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस वीडियो पे रिएक्ट करते हुए। मुझे लिंक आया था आज, जब मैं अपने सारे लिंक्स देख रही थी रिक्वेस्टेड वीडियोस के, तो जब मैंने इस लिंक को ओपन किया अभी रिएक्शन देने से पहले और मैंने इसका टाइटल पढ़ा इनसाइड मस्जिद अल हरम, सो द इनसाइड व्यू ऑफ मस्जिद अल हरम है जो हम देखने वाले हैं। और मेरा हमेशा से मन करता है कि मैं मस्जिद अल हरम को, मक्का को, मस्जिद अल नबी जो है उनको देख सकूं। तो आज हम लोगों को चांस मिला है, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। आर यू? तो फिर किस बात की हम वेट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मलिक फरीद और आज 24 मार्च के दिन है तो मैं हरम गया था और हरम खुला था। हरम के अंदर जाने की सारी जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह गया और कब कैसे वापस आया, तो हर चीज़ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन पर ओके कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी वीडियोज़ मक्का के बारे में, ज़ियारतों के बारे में, मदीना, ताइफ, तो ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा इंशाल्लाह। इसीलिए बेल के आइकन पे ज़रूर ओके करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज असर के बाद मैं गया हूं, यहां से घर से निकला हूं और अपने एक दोस्त के घर के पास अपनी गाड़ी पार्क की है, फिर उसके साथ मैं बाइक पे गया हूं, तो उसकी ये सारी वीडियो आपके सामने चल रही है। तो उसके साथ बाइक पर ही मैं गया हूं आगे, ये गज़ा वाली साइड है जहां से मैं अभी जा रहा हूं, तो ये जहां से यानी कि पहले मैं जाता हूं वही साइड है, सफ़ा मरवा वाली साइड जो है ना मक्का की हरम की, तो उसी साइड से मैं जा रहा हूँ इस टाइम। तो आप देख सकते हैं दुकानें वगैरह तो बंद हैं लेकिन सामने हरम के करीब हो रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, तो ये वही फुटेज आप देख रहे हैं इस टाइम।
फाद वाली साइड से जा रहे हैं, नीचे पार्किंग में अपनी बाइक रुकाई है और अभी जा रहे हैं ऊपर। तो सामने ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मिलेनियम होटल है, इसको शिरका मक्का भी कहते हैं, साथ में क्लॉक टावर है, तो मक्का टावर भी इसको कहते हैं, ये जो ये वाला मक्का टावर है। और राइट पे वहाँ पर वो था दार तौहीद, किंग फहद गेट की तरफ जा रहे हैं, यहीं से ही रास्ता खुला था। तो बिल्कुल थोड़े थोड़े लोगों को अंदर जाने दे रहे थे, बहुत ही कम, यानी कि 50-50 आदमी को अंदर जाने दे रहे थे। तो इस टाइम हम किंग फहद गेट के पास आ गए हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं बाब मलिक फहद। और अंदर इंटर होते ही आप देख सकते हैं कि इस टाइम हरम बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, ज़ाहिर कोई भी नहीं है, और क्लीन भी हटा दी है हरम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हरम खाली है इस टाइम। ये देखें, ये जो जमजम वाली जगह थी ना, ये भी अभी बंद पड़ी है, क्योंकि जमजम अभी जो है वो नहीं पिला रहे लोगों को। यहाँ से नीचे उतरे हैं मताफ की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर तवाफ़ की तरफ जा रहे हैं, वो सामने आप देख रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं तवाफ़ में, यानी कि जितने थोड़े से लोगों को वो लोग इंटर होने दे रहे थे, तो वही लोग थे तवाफ़ में यहाँ पर। मुताबिक सिर्फ 50 आदमी थे तवाफ़ में, उन वो जब 50 लोग तवाफ़ कर लेते हैं उनको निकाल के फिर और 50 लोगों को अंदर आने का मौका देते हैं। सुकून, यानी कि जब इतना सुकून था और इतनी खामोशी थी कि आप चलते हैं, पाँव की जो आवाज़ आती है ना थोड़ी सी नीचे फर्श पे लगने की, वो भी आवाज़ साफ सुनाई देती थी। अगर कोई काबे के दूसरी तरफ भी खड़ा हो के अगर किसी को बिल्कुल हल्की आवाज़ में भी बुलाए ना, तो वो भी सुनाई देगा। बहुत ही खामोशी और एकदम हुदू का आलम था। ये अब्दुल रहीम साहब हैं, के साथ में गया था, ये मेरे दोस्त हैं और भाई भी। तो इस टाइम पे 6:10 हैं और तवाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। आपको मैं घड़ी इस टाइम इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको टाइम का भी पता चल जाए और डेट भी आप देख लें, ताकि आपको मिस गाइड कोई ना करे कि तवाफ़ नहीं चल रहा या लोग तवाफ़ नहीं कर रहे या कोई भी ऐसी बात हो। देते हैं कर्फ्यू लग जाता है 7 बजे, तो 7 से शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होता है, तो उस वजह से हमने जल्दी घर भी पहुंचना था, तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी में जा रहे हैं और जो वापस जाते हुए क्लिप्स में बना सकता हूं वो बना रहा हूं। ये उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं जहाँ से आए थे, लेकिन जो है बाहर निकलने के लिए 7 वाला गेट था, उस टाइम तो किंग फहद गेट से इंटर हुए थे ना, अभी उसके 7 वाले गेट से बाहर जा रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हरम का बाहर जाने का रास्ता है, ये वही रास्ता नहीं है जहाँ से इंटर हुए हैं, ये दूसरा है। और साइडों पे आप अगर देखें तो बिल्कुल हरम खाली है, बिल्कुल खाली है। और ये जो बड़ी चेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, इन पे बैठ के दर्स होता है, यानी कि कुरान और सुन्नत जो है सिखाया जाता है लोगों को। तो ये राइट और लेफ़्ट पे जो है उसी चीज़ के दर्स की जो बड़ी बड़ी कुर्सियाँ पड़ी हैं, यहाँ पर जो उस्ताद होता है वो बैठता है और दूसरे शागिर्द जो हैं वो नीचे बैठते हैं और दर्स होता है यहाँ पर। तो ये उस चीज़ की कुर्सियाँ पड़ी थी बड़ी बड़ी। यहाँ पर साइड पे अगर आप देखें लेफ़्ट पे, तो ये एक जगह बनी हुई है जिसके ऊपर सिफ़त अल उम्रा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर गाइड करते हैं लोगों को, उम्रे का तरीका बताते हैं और किताबें वगैरह भी बांटते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर।
तो इस तरह हम लोग बाहर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं ये अब्दुर्रहीम साहब जा रहे हैं, हम आए थे उसी रास्ते से, ये अभी वापस जा रहे हैं। ये किंग अब्दुल्ला वाली साइड है जो नई एक्सटेंशन बन रही है, और ये जबल उमर, और ये दार तौहीद, और ये अब्दुर्रहीम साहब। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आप बाइक बहुत अच्छी चलाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह चलाते हैं, ये एक्सपीरियंस है ना, बचपन से चला रहे हैं। माशाल्लाह, लोगों को भी और बाइक को भी? नहीं बस बाइक, अल्लाह माफ करे, हमने क्या चलाना है। कभी बाइक ले लिए और निकल रहे हैं यहाँ से, जिस टनल में हमने नीचे पार्किंग में खड़ी की थी बाइक, पार्क की थी वहीं से ही अभी हम बाहर जा रहे हैं। जबल काबा वाले रोड से बाहर निकलेंगे यहाँ से, या आप जैसे देख रहे हैं सामने जबल काबा वाला रोड है, और वहाँ से फिर हम जबल काबा वाले रोड पे निकल के फिर हम लेफ़्ट गए हैं यहाँ पर उमल कुरा रोड जो है वहीं से। तो वहाँ से अब्दुर्रहीम ने कोई लेना था, खाने की कोई चीज़ लेनी थी जिसे अरबी में मासूब कहते हैं। तो अब मैं आपको बता तो नहीं सकता कैसे कैसे होता है, लंबी कहानी है, लेकिन किसी दिन आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मासूब खाने जाऊंगा तो अरब के खाने भी आपको ऐसा ऐसा आगे दिखाऊंगा। ये कोरोना का खेल थोड़ा ख़त्म हो ना, तो हम फ्री हों तो मैं आपको इंशाल्लाह मक्का भी घुमाऊंगा, और मक्का के खाने और अच्छी चीज़ें जो हैं, अच्छे होटल ये वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा, बेफिक्र हो जाएं आप। अच्छे खाने के होटल और अच्छे रहने के होटल सब कुछ आपको दिखाऊँगा मक्का का इंशाल्लाह। तो ये उमल कुरा वाले रोड पर जा रहे हैं हम लोग सीधा, तो आगे अबू जैद होटल है वहाँ पर जाएंगे, और कुछ खाने का लेना था, ऑर्डर किया था अब्दुर्रहीम ने, तो वो लेंगे अभी, और उसके बाद अपने अपने घर को जाएंगे। अभी सूरज डूब रहा है आप जैसे देख रहे हैं। यहाँ पर होटल पे पहुँच गए हैं, अबू जैद होटल है, और आप अगर मुलाहिजा फरमाएं तो यहाँ पर ये जो होटल है इन्होंने दरवाज़े बंद किए हुए हैं, और ये छोटी छोटी खिड़कियाँ रखी हुई हैं, खिड़कियों से ही सामान जो है वो देते हैं और लेते हैं। ये देखें, तो ये था मासूब जो ऑर्डर किया था अब्दुर्रहीम साहब ने, माशाल्लाह अरबी खाना है, तो आपको दिखा रहे हैं, ये मासूब इसको कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह किसी दिन मैं खाने आऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा इसको, और कैसे बनता है ये भी ज़रूर दिखाऊँगा। मेन चीज़ तो ये है ना कि कैसे बनता है आप देखें। तो अभी जाएंगे अपनी बाइक पे, और ये जो जमजम वाला पानी इन्होंने उठाया हुआ है ना अब्दुर्रहीम साहब ने, ये हरम में बांट रहे थे, क्योंकि अभी वो पानी पी तो नहीं सकते वहाँ पर जो लगे हुए हैं, और जो छोटे तलाजे हैं वो भी नहीं रखते, तो इसलिए ये छोटी छोटी बोतलें बांट रहे थे पानी की, जमजम की। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये बोतल मैं लेके आया हूँ जमजम की, पानी की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये बोतल देखें, ये है बोतल जमजम की, ये हरम में बांट रहे थे फ्री में। साफ ज़ाहिर है फ्री होगा, इस पे लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल, तो आप देख सकते हैं, ये देखें ये जमजम की बोतल है। अल्लाह ताला उनको जजाय खैर दे जो बांट रहे हैं। ये देखें इंग्लिश में इस तरफ से लिखा हुआ। तो अब पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी के पास, ये है अपनी गाड़ी, और अब बैठते हैं गाड़ी पर और जाते हैं घर। अब्दुर्रहीम साहब का बहुत ही शुक्रिया, उनके साथ गया मैं बाइक पर, और ये आप बोतल देख सकते हैं, अभी भी आपको मैंने दिखाई है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मोबाइल से जो वीडियो बनाई थी। तो इस तरह रहा आज का खूबसूरत सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ का। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई अगर बात कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। और जिन भाइयों ने, बहनों ने, दोस्तों ने, जिन्होंने भी, ख़वातीन हज़रात ने, सब ने, जिन्होंने भी दुआ के लिए कहा था, मैंने मजमूई तौर पर सब के लिए दुआ की है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अगर आपने अभी तक ताइफ वाली ज़ियारत की वीडियो नहीं देखी तो वो ये वीडियो आप खोल के देख सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस दायरे पे ओके करके सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन पे दबा दें, और लाइक भी कर दें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये जो मस्जिद अल हरम की विजिट है वो मैंने नहीं की थी, मेरी अभी तक वो किस्मत में कहाँ। तो ये जो है अब्दुल मलिक फरीद, ये गए थे मस्जिद हरम और काबा के विजिट करने के लिए, और उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया था, मुझे लिंक शेयर किया था आपने, और मिस्टर इमरान हैं जिन्होंने मुझे लिंक शेयर किया था कि आप इस वीडियो पे रिएक्ट करो।
तो बहुत ही खूबसूरत है। और पूरी वीडियो में ना, थ्रू आउट द वीडियो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं खुद ही वहां जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाया ही इतना अच्छा है कि मतलब पूरा एक रोड पे दिखाते हैं, और जब भी हम किसी जगह जाना चाहते हैं और उस रूट को देखते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। तो मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं खुद जा रही हूँ। तो पूरा रास्ता वो दिखा रहे थे, ये हाँ है, ये टनल है, उनका बर्थ प्लेस भी दिखाया था उन्होंने फिर आगे जाके। और जब मक्का काबा शरीफ को जब मैंने देखा, तब तो आई वॉज सो हैप्पी टू सी काबा। सॉरी, मेरा मेल आ गया था, टोंग टोंग कर दिया था इसको। चलो मैं कट नहीं करती, बिकॉज आप लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मैं वीडियो को ज्यादा बीच में कट करती रहती हूँ। थोड़ी सी नॉइस भी आ रही है चीं चीं की, चलो उसे इग्नोर कर देना प्लीज। तो फाइनली काबा शरीफ को देखा, और काबा शरीफ में जो ऊपर उन्होंने पर्दा डाला होता है, जिसपे वो सोने की तारों से वो आयतें लिखी होती हैं, तो वो पूरा ऐसे फिटेड है ना। अगर मीन्स आप लोगों में से कई लोग विजिट भी करके आए होंगे वहां पे, तो वो जो पर्दा है वो ऐसा नहीं कि ऐसे फ्लोई हो या हवा से थोड़ा सा वेवी हो रहा हो, कुछ ऐसा नहीं था। तो वो देखने में तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो वॉल्स ही हैं काबा की, और उसके ऊपर वो सोने की तारों से वो आयतें लिखी होती हैं कुरान शरीफ की। तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मस्जिद अल हरम जो है वो रेगुलरली नहीं खुलती, शायद मैंने ये गलत कहीं से सुना है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वहां पे लोगों को कुरान भी सिखाया जाता है, तो इट मीन्स वो डेली ही आते होंगे वहां करने के लिए, है ना, नमाज सीखने के लिए और नमाज अदा करने के लिए और कुरान सीखने के लिए वो लोग रेगुलरली आते होंगे। तो शायद ये गलत चीज है जो मैंने सुनी थी, कि जो मस्जिद अल हरम है वो रेगुलरली नहीं खुलती, लोग बस तवाफ करने के लिए मक्का शरीफ के आसपास जाते हैं। पता नहीं कहाँ से मुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन थी, तो प्लीज उसके लिए माफ कीजिए। तो उसके बाद में अच्छा एक चीज बताइए मुझे, वो जब मक्का के आसपास तवाफ करते हैं, तो वहां पे बैठना अलाउड नहीं है कि आप थोड़ी देर वहां पे काबा शरीफ के सामने बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए? जैसा नॉर्मली अगर मैं अपने गुरुद्वारे की बात करूं, हम लोग जब भी गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब रखे होते हैं, तो हम लोग उनके जो एक चक्कर लगाते हैं, उसके बाद में हम लोग साइड में अगर हमें बैठना है और वो जो गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ा जाता है, हम लोग उसको बैठ के सुनते हैं थोड़ा। मीन्स वो आपकी विश है कि आप 5 मिनट्स, 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर्स, जितना भी बैठना चाहते हो आप वहां बैठ सकते हो। तो क्या मक्का शरीफ में भी जब जाते हैं लोग काबा शरीफ के दर्शन करते हैं, तो तवाफ के टाइम पे वो लोग वहां पे बैठ सकते हैं कि थोड़ा अच्छे से उनको देख सकें, यू नो, मक्का शरीफ को, काबा शरीफ को सॉरी, कि थोड़ी देर वहां पे बैठ के अच्छे से काबा शरीफ को देख सकें, अपने दिल की खुल के वहां पे बातें कर सकें उस पर्वत दिगार से, उस गॉड से, उस बनाने वाले से? तो आप बताइए जरूर, कि या बस लोग तवाफ करके निकल जाते हैं अपने अपने घर में, क्योंकि जो अब्दुल मलिक फरीद जी हैं, वो लोग वो और उनके फ्रेंड वहां जाके बैठे नहीं थे, उन्होंने बस तवाफ अदा किया और उसके बाद में वो अपना वापिस आ गए थे। तो अगर मैं होती, मैं तो बस बैठ जाती कि मुझे मत उठाओ अब यहाँ से, मुझे बैठ के देखने दो। क्योंकि सेम चीज होती है जब मैं कोई अपनी ऐसे स्पिरिचुअल जगह पर जाती हूँ, तो वहां जाकर भी मुझे अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और यहाँ पर तो क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है, हम नहीं जा सकते काबा शरीफ के दर्शन करने के लिए, तो वहां पर तो मुझे और भी ज्यादा दिल करता है कि बस कहीं से मुझे परमिशन मिल जाए और मैं एक बार जाके दर्शन करके आ जाऊं। तो ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि क्या है उनके रूल एंड रेगुलेशंस वहां के काबा शरीफ के अंदर जब हम जाते हैं। और हो सकता है कि वहां पे बैठना अलाउड ना हो, क्योंकि लाखों, जब अभी तो चलो पेंडेमिक की वजह से वो 50-50 लोगों को अलाउ कर रहे थे कि आप जाओ। मैंने 50 बोला ना, तो 50-50 के बाद में लोगोज हो गया, सॉरी। तो क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हर जगह रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट द डिसीज टू बी स्प्रेड, तो इसीलिए उन्होंने
50 50 लोगों को जाने के लिए अलाउ किया था, और बट वैसे काफी ज्यादा वहां पे रश रहता है, तो हो सकता है इसीलिए वो बोलते हो कि इतने लाखों लोग आ रहे हैं, अगर वो बैठ ही जाएंगे तो फिर दूसरे लोग कैसे ही तवाफ पूरा कर पाएंगे, हो सकता है ये रीजन हो, तो आप लोग बेटर जानते हैं मुझे बताइएगा। और आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक मैसेज के साथ में, जो अब्दुल मलिक फरीद जी हैं उनके 1.7 सब्सक्राइबर्स हैं, 1.7 सब्सक्राइबर्स कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं ये लोग जो इतनी जल्दी से सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। और एक चीज़ और थी, जो जमजम का पानी उन्होंने दिखाया था बोटल्स में, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे ऑनलाइन भी कहीं से हम लोग बाय कर सकते हैं ना, अगर होता तो मैं ज़रूर बाय कर लेती। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था वो बोतल में पानी, तो क्या वो जमजम के पानी को फिल्टर किया जाता है या वो एज इट इज प्योर ही पानी को बोतल में डाला और वो इतना क्रिस्टल क्लियर था, ये जरूर बताइए, क्योंकि आई एम सरप्राइज कुएं से पानी निकला और इतना साफ उन्होंने बोतल ऐसे पूरा करके दिखाया था उन्होंने सामने स्क्रीन के, और वो एकदम पानी मतलब साफ सुथरा था, उसमें कुछ भी ऐसे गंदा या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था, मीन्स कलर भी एकदम प्योर था उसका। कुछ अदरवाइज होता है ना, जैसे कुएं से पानी निकालो तो मीन्स मैंने कभी कुएं का पानी नहीं देखा ना, हाँ कभी नहीं देखा मैंने कुएं का पानी नहीं देखा, कहीं गई नहीं ऐसी जगह जहाँ पे कुएं का पानी, अगर गई भी होंगी किसी ऐसी जगह घूमने के लिए तो मैंने देखा नहीं पानी, चलो कोई बात नहीं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुएं से पानी निकाल के हम ऐसे ट्रांसपेरेंट बोतल में डालें तो वो इतना क्लियर दिख सकता है, क्योंकि नदी का पानी तो मैंने देखा है, नदी के पानी को ऐसे कर दो वो देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसी ट्रांसपेरेंट बोतल में डालोगे तो वो इतना क्लियर नहीं दिखता। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि जमजम वाटर जो है उसको फिल्टर भी किया जाता है या नहीं किया जाता। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं जी, बाय।